एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर टॉपिक ऑफ सिविक्स, दैट इज वोटिंग एंड इलेक्शंस. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द वोटिंग, हाउ द इलेक्शन प्रोसेस हैपन. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज वोटिंग. You know, beta, as we are living in the democratic country, we have discussed in the previous chapter the different types of the government. तो हमने prefer किया था democracy को, ठीक है? So democracy में voting का right हमें मिलता है. अब voting का right कैसे मिलता है? When all adult citizens, they are having a right to vote in the election. तो हम कहते हैं universal adult franchise है भाई, यानी कि सबको बिना डिस्क्रिमिनेशन के ये पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं. अडल्ट सिटीज़न मतलब हर कंट्री अपना एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया रखती है. अगर आप उस एज के या उससे ऊपर के हैं तो आपको ये पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट मिलता है. इंडिया में लाइक इट्स 18 इयर्स. सो द टर्म फ्रेंचाइज और सफरेज मीन्स राइट टू वोट. इट इज़ थ्रू वोटिंग दैट पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव. यही एक क्राइटेरिया है, मैं वोटिंग करूंगी अगर तो ही मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकती हूँ. सो दीज रिप्रेजेंटेटिव व्हाट दे डू, दे रूल ऑन बिहाफ ऑफ अस. इन अदर वर्ड्स, पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. देयर नीड, देयर गोल्स, देयर एस्पिरेशंस आर फुलफिल्ड बाय दीज रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर फिक्स टाइम पीरियड. सो राइट टू वोट, it is the most important right and powerful right in democracy. Without it na democracy cannot survive, kyunki democracy ka matlab hi yahi hai, people's government. Aur people's government kab hogi, jab log elect karenge. So in a democracy elections are held at a regular intervals. India mein kitne saal ke baad election hote hain? 5 years, whether it's for the Lok Sabha or Vidhan Sabha. The elected representative remain in their office for this fixed term, and that's they have to seek re-election after the term if they wish so. भाई क्योंकि आपको पता है 5 साल के लिए आप आए हुए हो तो आप काम करो. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी टाइम पर हटाया जा सकता है. If you want कि आप फिक्स टर्म तक रहो तो अच्छे काम करो, so that कि after 5 year जब इलेक्शन हो तो आपको दोबारा से re-elect किया जाए. So the power to elect representative remains in the hand of common people. Two important features हैं voting के democracy में. Number one, one person one vote. ये एक अच्छी बात है. Universal adult franchise में all eligible vote count as one value. मतलब अगर मैंने vote डाला है so one person one vote. ऐसा नहीं होता कि president ने डाला है तो भाई high post है तो उनका 5 गिन लेते हैं, हैं, और रिक्शा पुलर ने डाला है तो वन वोट है तो उसका वन ही गिनेंगे. नॉट एट ऑल. वन वोट वन वैल्यू, वन ही काउंट होगा. नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, एज, रिलीजन, नथिंग. हर एक पर्सन का एक ही वोट. सेकंड जो इसका फीचर है वोटिंग का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं फिक्स टर्म के लिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द पीपल. They are here for the fixed time period. तो होता क्या है, the member of legislature, they are coming here for that particular period. Now that member has to serve the people in the capacity. अगर वो सर्व नहीं करेगा then he or she is the answerable. और क्या होगा re-election में, मतलब जब election होगा दोबारा उसे जो है पीपल इलेक्ट नहीं करेंगे. इसीलिए हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर गोइंग टू डू द वेलफेयर वर्क फॉर द पीपल. दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द सोसाइटी. देन स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट. बेटा आज जो हमें ये राइट टू वोट मिला है ना, ये नहीं है कि किसी ने आराम से दे दिया. इसके पीछे बहुत लंबी स्ट्रगल हुई है. जैसे हमने कहा था ना डेमोक्रेसी में हमें राइट्स चाहिए थे तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. ऐसे ही राइट टू वोट के लिए भी बहुत सारी प्रोटेस्ट हुए थे. द स्ट्रगल टू गेट द राइट टू वोट हैज़ बीन द लॉन्ग एंड टायरसम. बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी स्ट्रगल हुई हैं. पीपल हैड टू मेक मैनी सेक्रीफाइसेस टू गेट दिस पॉलिटिकल राइट. इवन इन इंग्लैंड आपको पता है ऑल पीपल आर नॉट गिवन दिस राइट प्रीवियसली.
द पुअर एंड द वीमेन। आपको नहीं मिलेगा राइट टू वोट। गरीब लोगों को और औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले। अभी क्या है, इंग्लैंड प्रोफेस फॉर द डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी बट इट वॉज नॉट गिविंग दिस राइट टू द पीपल इन कॉलोनीज अंडर इट्स कंट्रोल। ये भी गलत है, अपनी कॉलोनीज में भी उन्होंने राइट्स नहीं दिए थे। सो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ऑल मैन इन यूरोप, जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे ना, दे वेंट अवे टू फाइट, सब लड़ाई में चले गए। तो देश को कौन संभाल रहा था, घर को कौन संभाल रहा था, विमेन। सो इन द एब्सेंस ऑफ मैन विमेन दे शोड दैट दे आर कैपेबल इनफ वट दोज एट दैट टाइम मैन वर डूइंग। सो दिस ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑल्सो दैट वाई वी आर नॉट गिविंग द राइट political right to women, because at the time of war women were in the country and they were looking after, aur bahut acche se they were looking after. So at that time women given their point of view ke why if we can govern in your absence why you people are not giving us right to vote. So after that this was the thought process ke now women should also given right to vote. In the world, this right is not being given to many people in several countries. Their struggle is also very long. They face governments, dictatorial oppression, but still they continue their struggle to get this right. Prior to 1947, aap dekho, India was the colony of British. Jab bhi logon ne awaaz uthai, they were crushed. They were suppressed. Thay nahi hamare paas right koi political. When our country became free, all adult people were given this right. Now we are free, so we are not want any protest, we are not in the stage to face any revolt. So now it's our turn that we need to provide this political right to everyone without any discrimination. So isliye all adult citizens were given the equal rights when India become free. In India, a citizen who is above or of 18 year age, they can cast their vote. Then the person has got themselves registered in the electoral roll. हाँ, आपका electoral roll में नाम होना चाहिए। जैसे ही आप 18 साल के हो, अपना नाम register कराइए, तभी आपको EPIC से मिलेगा, election photo identity card, इसे आप कहते हो voter ID. The name of only those citizens are registered in the electoral roll who are above the 18 years. ये आपको हमेशा याद रखना है। Election process की बात करें, so person can enjoy the right to vote जब election होगा। इलेक्शन अगर नहीं हुआ तो राइट टू वोट का क्या करोगे? सो इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हो. नाउ इट इज़ बाय इलेक्शन दैट द पीपल एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. अच्छा काम कर रहे हो, इलेक्ट करो. नहीं अच्छा कर रहे, नहीं करेंगे इलेक्ट. तो पावर आपके हाथ में है. द इलेक्शन टाइम इज अ वेरी हैक्टिक टाइम, हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है बेटा. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन कैंपेन करना है, लीडर्स इधर से उधर टूर कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ट्राई टू विन पीपल विद देयर क्लेम्स ऑफ अचीवमेंट्स. इतने सारे प्रॉमिस, इतने सारे वायदे, मतलब जब तक इलेक्शन नहीं होता है, वोटिंग नहीं होती है, तब तक पीपल आर द गॉड फॉर लीडर्स. हम भगवान होते हैं लीडर्स के लिए. वो हमें अलग अलग जो है प्रोमिसेस बताते रहते हैं, काम बताते हैं, अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, सो डैट कि हम उनसे इफेक्टेड होकर, उनकी बातों में आकर हम अपना वोट उन्हें दें. दैट वी नीड टू डिसाइड इन आर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु इज़ द बेस्ट लीडर एंड हु इज़ प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉलिसी. प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात करें तो बेटा, हमने कई बार सुना है कि हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं. अभी 2024 में यू आर हैविंग द जनरल इलेक्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शन स्मूथली हैज बीन गिवन टू द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन की बेटा ये जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो. व्हेन एन इलेक्शन इज ड्यू ना द होल और द पार्ट ऑफ द कंट्री, इट अनाउंसेस द डेट्स. इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, सारे प्रोसेस अनाउंस करेगा कि कैसे आपको कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन होता है ना, पहले आप वो फाइल करोगे, कौन कौन से कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, विड्रॉल अगर किसी को अपना नाम वापस लेना है तो ले लो, डेट ऑफ वोटिंग क्या है, डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोटिंग क्या है, ये सब उसमें आता है. कैंडिडेट जो है पहले अपना नॉमिनेशन पेपर डालेगा, उसमें सारी जो डिटेल चाहिए वो सब देगा ताकि लोग उसे वोट दें. ऑन द वोटिंग डे पीपल वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट, वो वोटिंग करेंगे. फिर प्रोसेस
कम टू एन एंड जब डिक्लेयर होगा रिजल्ट बाय काउंटिंग द वोट्स. द इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट नो पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन. ये इलेक्शन कमीशन ध्यान रखता है कि कोई डर्टी ट्रिक्स तो नहीं खेल रहा है, लोगों को फोर्सिबली या ऐसे ही बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा अपने फेवर में. ये इलेक्शन कमीशन का टास्क होता है. नोट पे चलते हैं बेटा. इन द पास्ट इलेक्शंस वर हेल्ड बाय द पेपर बैलेट. पहले क्या होता था ना, आप अपने पापा मम्मी से पूछिएगा, पहले ये ईवीएम नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होती थी. पहले पेपर दिए जाते थे, एक तरफ कैंडिडेट का नेम होता था और उसके सामने वाले बॉक्स में उसका सिंबल होता था. जैसे कोई कांग्रेस का है तो कांग्रेस का नाम है और उसका पाम बना होता था. अगर बीजेपी का है तो उसका नाम है, उसका फूल बना होता. तो आप उस पर स्टैंप लगाते थे और उसके सामने वाले पे ऐसे फोल्ड कर देते थे, तो क्या होता था, वो स्टैंप उस पर भी लग जाती थी. सो पहले ये पेपर होते थे और पेपर बैलेट को काउंट किया जाता था. बट विद द पासेज ऑफ टाइम हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने रिप्लेस कर दिया पेपर बैलेट को. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्शन पे. इलेक्शन कैसे होते हैं, या डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे. इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो कुछ पोस्ट दी हुई है ना, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन हो सकते हैं, वाइल इट इज़ इनडायरेक्ट फॉर अदर्स. डायरेक्ट इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा, विधानसभा एंड लोकल बॉडीज. जैसे हमारे अभी होंगे ना 2024 में जनरल इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन है. जो आपके सेंटर गवर्नमेंट के इलेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है, लोकल बॉडीज़ जो आपकी ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, इनके इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें हम नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो डायरेक्ट हम नहीं वोट कर रहे, ठीक है. मेंबर ऑफ राज्यसभा है, वो डायरेक्ट हम वोट नहीं कर रहे. मेंबर ऑफ विधान परिषद है, जिला पंचायत है, ये इनडायरेक्टली तरीके से आते हैं. डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जिसमें लोग जो है जाते हैं अपना इलेक्शन डेट वाले दिन और अपना प्रिवेसी में बैलेट पेपर में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें आप अपना वोट डालकर आते हो. आप अपनी चॉइस से वोट डालते हो, अपने सिंबल को बटन जो है प्रेस करके उसको वोट डाल सकते हो. तो ये होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन. दिस टाइप ऑफ वोटिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज अ वोटर वोट डायरेक्टली फॉर द कैंडिडेट. जो जीत कर आ गया नाम आ जाएगा उसका, इसमें कोई बीच में नहीं आया. बट इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली, रादर देन इलेक्टोरल कोलाज होता है. इलेक्टोरल कोलाज इज गोइंग टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ विच इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. फॉर एग्जाम्पल प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट इलेक्टोरल कोलाज से आते हैं, फॉर्म बाय मेंबर ऑफ लोकसभा एंड विधान परिषद. जैसे हमने जिनको चुना है ना बेटा, वो लीडर इनके लिए वोट डालते हैं, ठीक है. तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया. अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट डायरेक्टली, आपने वोट डाला उनका रिजल्ट आ गया. यहाँ पे द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कोलाज इलेक्ट द कैंडिडेट ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. जो हमने चूज किए हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, वो वोट डालेंगे. डायरेक्ट इलेक्शन में एज कैंडिडेट नीड पीपल्स वोट, दे वर्क फॉर देयर वेलफेयर. उन्हें पता भैया लोगों का वोट चाहिए, तो लोगों के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे. यहाँ पे कैंडिडेट को जो है लोगों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, कॉमन पीपल के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया ना, उनके थ्रू उनका इलेक्शन होगा. देन आप देखो, आपका डायरेक्ट में कैंडिडेट्स मेक टॉल प्रोमिसेस, बड़े बड़े वायदे देते हैं लीडर. वहाँ पे कैंडिडेट इतना कोई बड़ा प्रोमिस नहीं करता है, कोई जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे ऑल पीपल वोट वेदर दे अंडरस्टैंड द वोटिंग प्रोसेस और नॉट. सारे लोग वोट डालते हैं यहाँ पे, जो भी एलिजिबल वोटर हैं 18 साल और उससे ऊपर के. वहाँ पे नॉर्मली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी बेटर, वो वोट डालते हैं. यहाँ पे कॉमन पीपल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ कॉमन पीपल की इम्पोर्टेंस नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव्स की है. यहाँ पे जनरल इलेक्शन नीड लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है इलेक्शन कैंपेन में, वहाँ पे इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है इनडायरेक्ट में. इलेक्टोरल वायलेंस जो है हो सकती है, जगह जगह आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसमें कोई इलेक्टोरल वायलेंस नहीं होती इनडायरेक्ट में. तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोटिंग होती है. नोट पे चलते हैं. इंडिया देयर इज अ नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट. ये एक बात है भाई,
इलेक्शन में जो भी लीडर आ रहा है, कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, जबकि अगर आपको कोई जॉब लेनी है तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज भी नहीं है यहाँ पे, हर जॉब की एक एज लिमिट होती है कि इसके बाद आप नहीं जॉब अप्लाई कर सकते, लेकिन इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ड्यू टू विच इट इज़ वेरी इनएफिशिएंट, इनकैपेबल, बट यस इन्फ्लुएंशियल पीपल गेट इलेक्टेड। ये एक मेजर रीज़न है, यहाँ पर वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ मेक इलेक्शन कलरफुल बिकॉज दे आर गोइंग टू रेज द डिफरेंट इशूज, स्प्रेड द अवेयरनेस टू द पीपल, इन्वॉल्व द पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन करते हैं। डेमोक्रेसी कम्स अलाइव थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप बात करो ना, बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेमोक्रेसी में मज़ा नहीं है, लाइफलेस हो जाएगी। मेन पर्पस क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, इज टू, अगर वो जीत कर आ रहे हैं, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड टू डिसाइड विच ग्रुप ऑफ कैंडिडेट विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। इलेक्शन में पता चल जाएगा रिजल्ट पे, जिसके पास ज़्यादा वोट आ रहे हैं, मेजोरिटी से आ रहे हैं, उनके लीडर जीत के, वो पार्टी जो है अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपना एक सोच होता है, अपना एक मैनिफेस्टो होता है, और उस आइडियोलॉजी को वो लोगों के बीच में लेके जाते हैं ताकि लोग उन्हें सपोर्ट करें। इन जनरल इलेक्शन में ना पार्टी इज एबल टू सिक्योर 1/2 ऑफ द सीट इट्स फॉर्म अ गवर्नमेंट। लेट्स से मान लो 5 आपकी 100 सीट्स हैं, 100 में से अगर 51 आ गई किसी पार्टी के पास तो वो सरकार बना लेगा। दस अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन आइडियोलॉजी एंड सीक टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय पीसफुल मैनर्स। अब पॉलिटिकल पार्टी वर्क कैसे करती है, तो हमें पता है कि इसका इम्पोर्टेंट गोल तो यही है कि भैया हमारी सरकार बन जाए, और ये बनाने के लिए वो क्या करेंगे। इट फॉर्म्स एन आइडियोलॉजी, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी थॉट प्रोसेस, ऐसे विचार को बनाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। इट डिस्कसेस एंड रेजेस द मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, लोगों के बीच में लेके जाते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर, कि भाई हमें ये काम करना है। इट रन्स द अवेयरनेस कैंपेन टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द व्यू पॉइंट्स ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। लोगों को बताते हैं क्या पॉलिसी रॉन्ग है, क्या सही है, हम क्या करेंगे, किससे देश आगे निकलेगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरीके का। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इट इश्यूज द इलेक्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है कि जिसमें वो बताते हैं कि हमने ये काम करने हैं अगर आप हमें इलेक्ट करोगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इससे क्या होगा, आप अट्रैक्ट होगे तो आप उन्हें वोट दोगे जिसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा। इसलिए उसमें वो एक तरीके से आप कह सकते हो पूरे प्रोमिसेज आपको किए होते हैं। अगर वो प्रोमिसेज आपको अट्रैक्टिव लगते हैं तो आप उन्हें वोट करते हैं। देन इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू सिक्योर 1/2 ऑफ द सीट गवर्नमेंट बनाएगा। देन आफ्टर दैट इट कैन सीक सपोर्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार क्या होता, नहीं मिलता, 51 सीट्स नहीं मिल रही, 40 पे अटक गए, किसी को नहीं मिली 51 सीट, तो ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैंड्स ज्वाइन करके, मेजॉरिटी प्रूव करके गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉलिएशन गवर्नमेंट, यानी मिली जुली सरकार। व्हेन इट इज़ नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट मैटर इन द लेजिस्लेचर एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू टेक एन एक्शन। इट ऑल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट मैटर्स। मान लो जिसको नहीं मिला बेटा मेजॉरिटी, वो अपोजिशन पार्टी बनेगी, पार्लियामेंट में बैठ के गवर्नमेंट को उसकी रॉन्ग पॉलिसी दिखाएगी, लोगों को अवेयर करेगी। देन व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी इज वोटेड टू पावर इट ट्राइज टू कैरी आउट द प्रोमिसज इट मेड। भाई इनकी कोशिश तो यही रहती है, जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा था वो सारे प्रोमिस हम पूरे करें ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में हम दोबारा री इलेक्ट होकर आएँ। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन है। अब बात करते हैं इवेल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इवेल्यूएट करो, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इसका होना तो ज़रूरी है ना, इलेक्शन किसके बीच में कराओगे। सो इट ब्रिंग्स डेमोक्रेसी अलाइव, अवेयरनेस स्प्रेड करती है, मैटर्स को लोगों के बीच में लेकर आती है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को लेकर आती है। इन इंडिया वी हैव सीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यू कैन सी INC, BJP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, SP समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं। कई बार क्या होता है, इन मैनी केसेस क्रिमिनल्स आर आल्सो गेट इलेक्टेड। वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को
कैंडिडेट्स नॉमिनेट कर रही हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या बहुत पावरफुल हैं, मनी एंड मसल पावर को यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम बाय पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम की। ऐसी कंट्री जहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें हम कहते हैं बाय पार्टी सिस्टम, और जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टी हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है। सो डेमोक्रेसी में बाय पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इंडिया इज़ हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड अमेरिका इज़ हैविंग द बाय पार्टी, टू मेजर पार्टी वहाँ पर वर्क करती हैं। देखो बाय पार्टी में दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल में अमेरिका में, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों पार्टी की अपनी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है। इन्हें क्या करना है, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना है। इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू डिस्टिंग्विश, ये कह रहा है, ये कह रहा है, किसको वोट डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के लिए आसान हो जाता है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज स्टेबल बट नॉर्मली इट हैज़ एब्सोल्यूट पावर। कई बार लगता है यार दो ही पार्टी हैं, पावर सारी इन्हीं के हाथ में आ रही है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है आपका, देर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल और स्टेट लेवल पे, बहुत सारी पार्टियाँ इंडिया में। देखो मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, इतनी ज़्यादा। सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। समटाइम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव आइडियोलॉजी, क्या करते हैं, फ्रिक्शन हो जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हम देखते हैं तो लगता है सेम विचारधारा चल रही है इनकी। आपको एग्जाम्पल दिया है, कांग्रेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्टी। कांग्रेस का ना कई बार स्प्लिट हुआ है, बहुत सारी पार्टी उससे बनी है, जैसे आपकी एनसीपी है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब ये पार्टी आपस से अलग होकर अलग अलग पार्टी बनाती है, उनकी आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो ये देखने का एक फ़र्क होता है। इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, छोटे थोड़ा थोड़ा ग्रुप बन गया, पॉलिटिकल पार्टी बना दी। तो होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, किसी को एक के पास बहुत सारे वोट नहीं आते क्योंकि वोट कट जाते हैं, इतने सारी पॉलिटिकल पार्टी है। तो बहुत बार कॉलिएशन, मिली जुली सरकार बनती है। सो बोथ बाय पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम आर वर्किंग वेल इन डिफरेंट कंट्रीज। बाय पार्टी सिस्टम अमेरिका में बहुत अच्छे से चल रहा है, इंग्लैंड में अच्छे से चल रहा है, और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया, ब्राज़ील और फ्रांस में बहुत अच्छे से चल रहा है। नोट पे देखते हैं, व्हेन अ पार्टी सिक्योर्स वन हाफ और मोर सीट्स तो हम कहते हैं भैया मेजोरिटी आ गई, और नाउ दिस पार्टी कैन मेक द गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री। कॉलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी यानी वन हाफ से आपको ज़्यादा वोट नहीं मिलता है तो आप नहीं बना सकते गवर्नमेंट। फिर आप क्या करते हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैंड ज्वाइन करते हो कि आप हमारे साथ मिल जाओ, और मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं गठबंधन की सरकार या कॉलिएशन गवर्नमेंट। अब क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर आना पड़ता है, जबकि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट तो बनानी है। एग्रीन ऑन अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एग्रीड होते हैं कि ठीक है ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे, मिलजुल के ऐसे चला लेंगे। बेसिक आइडियोलॉजी तो ख़त्म हो जाएगी उस पार्टी की, नहीं कर सकते आप अपनी आइडियोलॉजी से देश नहीं चला सकते, क्योंकि अब आपने और पार्टीज़ के साथ हैंड ज्वाइन करके कॉलिएशन गवर्नमेंट बनाई है। सो CMP इज़ लाइक एन एग्रीमेंट हाउ द गवर्नमेंट विल फॉर्म्ड एंड रन, कि तुम्हारा भी ये सुन लेते हैं, तुम्हारा भी ये, मिलजुल कर ये बनाएंगे। अब इसके मेरिट क्या हैं, फ़ायदे हैं कि कॉलिएशन गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट बाय कंसेंसस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। CMP इज़ नॉट क्रिएटेड, द कंट्री विल हैव टू गो फॉर री इलेक्शन, बहुत एक्सपेंसिव होता है दोबारा इलेक्शन कराना। स्टेबिलिटी कोलेशन गवर्नमेंट इज डिपेंड्स ऑन द लीडर्स। तो मेरिट तो ये है कि भाई बहुत सारे लोगों के व्यूज़ आ जाते हैं इसमें, लेकिन डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं। डीमेरिट्स ये हैं कि ऐसी सरकार जो है इनस्टेबल होती है, एनी टाइम फॉल। क्यों, हर मिनिस्टर दूसरे पे हावी होने की कोशिश करता है, मुझे पावर मिल जाए, मेरी पार्टी को मिल जाए, मुझे ये डिपार्टमेंट मिले। स्मॉल कोलिएशन में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं। इवन स्मॉल कोलिएशन पार्टनर कैन एक्सप्लॉइट द कोलिएशन गवर्नमेंट। अब उससे क्या होता है, दे आर द थ्रेट ऑफ विदड्रॉइंग सपोर्ट। बार बार आप हमें ये नहीं काम दोगे, ये डिपार्टमेंट नहीं दोगे, हम आपका सपोर्ट वापस ले लेंगे। तो इस तरीके से डीमेरिट सबसे बड़ा यही है कि कोलिएशन गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू डू द वर्क प्रॉपरली बिकॉज दे आर ऑलवेज इंगेज इन डिस्प्यूट, ऑलवेज इंगेज इन ग्रैबिंग द पावर। अब चलते हैं हम अलायंस ग्रुप पे। एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ पार्टी,
that have pre-election common minimum program, it is better option as the democratic spirit can be maintained. Alliance क्या होता है बेटा? Election से पहले ही अगर कुछ पार्टियाँ हाथ मिला लें कि हम मिलकर election contest करेंगे, वो alliance है. Coalition होता है कि result आ गया, आपको majority नहीं मिली, result के बाद आप forcibly मजबूरी में दूसरे के साथ head join कर रहे हो. तो अलायंस आपको इस समय दो बड़े नजर आएंगे. एक बना है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं आपकी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है आपकी, चाहे वो जनता दल है आपकी, चाहे वो आपकी ममता बनर्जी की पार्टी है, TMC, NCP, ये सब मिल गए हैं. एक होकर इन्होंने इंडिया बनाया है अलायंस कि हम सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे. और दूसरी तरफ खड़ी है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और उसने अपना कुछ रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस किया है. अब ये मिलकर इलेक्शन 2024 का कॉन्टेस्ट करेंगे. सो नाउ वी विल डू द क्विक रिविजन ऑफ द चैप्टर. हमने पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट सिटीजन इन अ कंट्री. टू फीचर हमने पढ़े यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, वन वोट वन वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. हमने ये भी पढ़ा राइट टू वोट के लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स हुई. फिर हमने ये पढ़ा इंडिया में 18 ईयर इसकी एज है और उससे ऊपर वाले लोग दे कैन कास्ट द वोट. इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन को कराने के लिए. डायरेक्ट इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स, इनडायरेक्ट में नॉट बाय वोटर्स. पॉलिटिकल पार्टीज हैज अ कॉमन आइडियोलॉजी एंड इट्स चीफ एम इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसमें पूरे वायदे होते हैं, वो इशू करती है, वो प्रोमिसेस वोटर तक पहुंचाती है. देन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज वर्क ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर वोट बैंक. इन आर कंट्री देयर इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है जब दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं. सम पार्टी फॉर्म द प्री इलेक्शन अलायंस, इलेक्शन से पहले ही उन्होंने मिला लिए हैं हाथ दूसरी पार्टी से, सो हम कहते हैं अलायंस बेस्ड ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक. प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली.